अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आप लोग सुनाए, आप लोग कैसे हैं? क्या हाल हैं, अहवाल हैं और क्या चाल हैं? तो मौसम चेंज हो रहा है, सबकी तबीयतें भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे। इस मौसम खैर खैर से ही मौसम आए, खैर खैर से जाए। मैं जाए इसलिए नहीं कह रही कि मतलब इस मौसम से मुझे कोई मसला है, माशाल्लाह से मुझे सर्दियाँ पसंद हैं। बस वैसे ही थोड़ा नज़ला ज़ुकाम वगैरह अक्सर हो जाता है। ये देखिए ज़रा, ये पता नहीं अब किसने ऊपर से ख़राब किए हैं। मैं अक्सर सुनती होती थी कि अक्सर लोग कहते हैं चिड़ियाँ कबूतर शबूतर आँखों हमारी ख़राब, मुझे तो लगता है वो कट जाते हैं। पहले भी एक दिन ख़राब होती, मैं कह रही थी पता नहीं कैसे हुए, वैसे किसने किए होंगे? कबूतरों के पाँव तो नहीं लगे हुए? लड़कियाँ तो नहीं ऐसे ऐसे पास बैठी करती रहती जी? नहीं, कल वैसे आई थी लड़की, लड़की किसके पास नहीं गई आई, वैसे सबको बस खुद लेगी पता नहीं। वो देखो ऊपर से जैसे ऐसे ऐसे किए हुए हैं। चले जी, पता नहीं क्या उनके साथ मसला है, शायद उन्होंने ही किए हैं मुझे तो लग रहा है। तो जी ये मड है, मड हर हर रोज़ दिखाती हूँ, कितना ऐसे पता नहीं क्या है, मड बेचारी रह जाती है। चले मड फिर ऐसे कह रही, मड से बनाती हूँ, उसी मैंने उससे शुरुआत की थी रेड मड से, लेकिन वो थोड़ी हार्ड थी और मैं हाथ मेरे इतने थक गए थे, तो मैं सबसे पहले इसी को आज बनाऊंगी। वो टपले हो ना आज इसकी करते हैं क्रम्बलिंग। और ये जो उस दिन इसकी मैंने उस दिन वीडियो रिकॉर्ड की थी, इस चैनल पे नहीं थी की, जे बी एस एम आर पे की थी, आप लोगों ने पसंद भी की थी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखें अब तो डस्टी हो गया टैक्सी, उस दिन डैम था तो तकरीबन आजकल मेरे सारे टैक्सी डैम थे, अब मैं आज लगता है सब डराए हैं, उसमें देखने में डराए थे लेकिन है नहीं थे। मैं ज़्यादा नहीं छुट्टियां करने लग गई व्लॉग में, आप लोग इंतज़ार करते रहते कि बहुत इंतज़ार किया आपके व्लॉग का। यास्मीन अकरम कह रही थी पूरा दिन वेट करते हैं आपके व्लॉग का, तो मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ, आप लोगों को मेरी वजह से इतना इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन मैं भी किसी ना मजबूरी के तहत अक्सर नहीं बनाती, कभी वो ढीली पड़ जाती, लेकिन अक्सर होता है कि मसला मसाइल हो जाता है। अच्छा तो मैं कह रही थी कि कोई ना कोई मुश्किल हो जाती है, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि नहीं बनाया जाता व्लॉग। अभी भी हालात ऐसे ही हो गया था कि मुझे उस जगह से मैं क्रम्बल कर रही थी, बस क्या बताऊँ। अच्छा मैं रात को ना सोचती हूँ अच्छा सा व्लॉग अब मैंने आज बनाना है, स्पेशल व्लॉग बनाना है, लेकिन जब मैं सुबह आती हूँ कोई एनर्जी नहीं होती, पता नहीं क्या आजकल हुआ है, कोई पावर ही ख़त्म हुई होती है अंदर से। अच्छा जी तो जनाब, ये स्लैब आज इसकी भी इंशाल्लाह ताला क्रम्बलिंग करेंगे। ये ब्लैक ग्रिटी टेक्सचर बन चुका है, ब्लैक क्या कंक्रीट टेक्सचर बन चुका है, हालांकि ग्रे था पहले भी, शायद मैंने बता चुका है, रिपीट हो गई है बात, चलो कोई मसला नहीं, अपनी बात है, अपनी अपनी बात है, अपना इधर रिपीट पन है। और ये देखें जी इसकी की स्लैब थोड़ी टूट के टूट गई है यहाँ, इसमें चारकोल आप लोगों को पता ना इसमें डाले थे, तो अब ऐसे ही लगता है जैसे चारकोल टेक्सचर है।
चलें जी ऊपर आते हैं तो सबसे पहले होता है जी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, वीडियो रिकॉर्ड कर लें फटाफट, शोर शुरू हो जाना है। तो फिर जब व्लॉग बनाना होता है फिर तो हाय धूप आ गई, धूप आ गई, इधर ही बैठ के बना लेते हैं, ये सब तो होता है और ये सब चलता रहता है। तो इसलिए मुझे वाकई अब पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, बाकी बातें बाद में करनी चाहिए। अच्छा एक और बात, आज मैं ऊपर आई मैंने सारी स्क्रीनशॉट देख ली, मुझे पता नहीं चला किसकी बर्थडे है, हालांकि कल मुझे पक्का याद था कि बर्थडे है। तो इसलिए जिसकी भी बर्थडे है आज उसको हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आबाद रखे और अपने करम में रखे, अपनी रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला उसकी सालगिरह का दिन उसे बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है चलें फिर बाकी लोग बाद में बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके चलें, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी तो मुझे ख्याल आया, मैं इस टप में करने लगी थी लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि जब आप मड करें डार्क टप में करें तो इसमें लाइट टप में मज़ा नहीं आता, तो मैंने कहा जी सही है। तो ये मेरी मड है जिसका चेक किया था उस दिन के, देखते हैं अलग थोड़ी निकाल के। तो आज ये मतलब ठहरी है, उस दिन से देख रहे थे बार बार इसमें पानी पानी था, पानी आज निकला हुआ है तो आज इसका पानी निकाल देते हैं। बाकी टेक्सचर है ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी, इसकी वीडियो बनी थी आप लोगों ने बहुत पसंद की, थैंक यू सो मच। ये रेड है तो ये थोड़ा हार्ड हो गया था, पता नहीं क्यों, शायद बारिश में भीगने की वजह से। इस दफ़ा देखेंगे क्या बनता है, स्लैब बनाई थी और इस दफ़ा चंक्स की सूरत में ही रहने देंगे। सही, और ये जो है बारिश में ही रखे हुए थे चंक्स, ऐसे ही हो गए थे, इनको यूं ही क्रम्बल करेंगे, थोड़ी इसकी सेटिंग बना लेंगे तो ऐसे ही क्रम्बल कर लेंगे इनको। वो कुछ सफाई टेक्सचर बचा हुआ था उसको भी उठा कर किसी में ऐड कर लेते हैं, बाकी और क्या करना चलेंगे देखें जी। इनका थोड़ा आपके सामने सेटिंग बना लेते हैं। ये ब्लू टप है, इसके कलर नाइस है, आप लोग इसको पसंद भी करते हैं, इसको यूँ रखते हैं, थोड़ा टूटा है तो इसकी थोड़ी सेटिंग यूँ करते हैं, तो वो रखो अंदर। आज इसकी थोड़ी क्रम्बलिंग आपके सामने इसलिए करते हैं कि आप लोगों को यकीन हो जाए कि मैंने बस मड कर लिया है क्रम्बल, पता नहीं। हालांकि मड मुझे पसंद भी इतनी है, आप लोगों को इतनी पसंद है, इतनी देर कैसे लगा देती है। चलें जी ये देखिए इसकी सेटिंग कर ली है मैंने, कैमरा ऑन किया तो मोबाइल बंद था, अब ये नहीं पता कब से बंद है, अपनी तरफ से तो जी वीडियो ही बन रही थी। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा व्लॉग में क्रम्बल करूँगी, सही, फिर बाद में इसकी वीडियो बनाऊँगी। सोच रही थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँ या ऐसे ही सही है, बैठ गई यहाँ, मेरे हैंड है तो दुपट्टा थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं। तो चलें तो ये वाला मैं व्लॉग में क्रम्बल कर लेती हूँ और वीडियो छोटी थर्ड करूँ, इतने जतन करिए ना, ये भी नहीं पता हार्ड ना हो। चलें जी एक और पकड़ ली है, इसी को करते हैं, ये सेटअप सारा वीडियो में ही रहेगा तो इसका लॉक लगा दो पहले। अच्छा सुबह का टाइम है, थोड़ा डैम डैम लग रहा है, चलें खैर है, थोड़ा थोड़ा पहले मैं इसलिए खामोश रही थी कि मैं ये हो सकता है ये वाला हिस्सा भी इसमें ही ऐड कर दूँ क्योंकि ऊपर से भी गंदा गंदा लगेगा जब वीडियो ऑन होगी। तो चलें जी अब मैं प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, सही हो गया तो जी फिर मिलते हैं। ओके
अच्छा जी, ये मैंने मटकी की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। इतना टाइम लगा है, हालांकि टेक्सचर इतना हार्ड नहीं था, बस पता नहीं क्यों और बहुत लो एनर्जी के साथ की है। मुझे यूँ लगता है मुझे अपनी सारी मटक दोबारा से ना ठीक करना पड़ेगा। मतलब इसका टेक्सचर ठीक था, शायद वो नमी की, रात की नमी की वजह से थोड़ा ना पता नहीं क्या था, लेकिन ऐसे सही क्रम्बल लगता था, नहीं हो रहा। ये देखो ना अंदाजा लिया, हालांकि ड्राई है पूरा, फिर भी कोई कमी लगती है, ये शायद वैसे फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा इस दफ़ा सीमेंट ऐड करके ना रख दूंगी इसको भी, इंशाल्लाह सारी मड को मैंने सही करना है सर्दियों के आने से पहले पहले, क्योंकि मुझे पता है इसमें फिर महीने लगा करने सूखने में। अच्छा देखा कितना स्मूथली हुआ है, वो पता नहीं क्यों थोड़ा जैसे दिल कर एक और पीस व्लॉग में कर लूँ, पता चल जाएगा कौन सी वाली सही है। और ये वाला पकड़ाओ, ये क्या चीज़ है, नहीं ये जो बनाओ, चलो अभी दे दो ना, काफ़ी टाइम इधर ही हो चुका है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी थी, एक रिकॉर्ड हुई है ये करके ना फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड हुई, क्योंकि मैं अंदाज़ा कर रही थी ना कि मुझे कौन सा टेक्सचर रखना है और किसको दोबारा करना है। ये सही है, शुक्र, अगर इसको धूप लग गई तो शाम में ही क्रम्बल हो सकता है। चलें जी, आज व्लॉग में भी मड की क्रम्बलिंग हो गई है, मुझे किसी ने कहा भी था मड ऐसे मारे, उन्होंने भी कहा था मेरे लिए व्लॉग में क्रम्बलिंग करें, तो इंशाल्लाह ताला जब आज आपके कमेंट्स पढ़ूंगी तो ज़रूर फिर वापस इनमें से किसी एक टेक्सचर की ना कर दूंगी क्रम्बलिंग। टेक्सचर कह रही हूँ एक शेप्स उठा के ना इसकी, डिस्प्ले बहुत पसंद है आप लोगों को, तो चलो इसकी थोड़ी डिस्प्ले कर लेते हैं, टाइम है नहीं है। चलो ठीक है, मैं फटाफट एक दो वीडियो रिकॉर्ड करूं, फिर व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, फिर मिलते हैं। ओके चलो, कौन सी शुरुआत को बनाने में।